हाल के सालों में केंद्र सरकार के सामने अगर कोई आंदोलन सबसे बड़ी परेशानी के तौर पर सामने आया तो वो था किसानों का आंदोलन। ऐसा आंदोलन जिसके सामने केंद्र सरकार को उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को वापस तक लेना पड़ा, जिसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। इस साल 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसको लेकर तमाम विपक्ष केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर लाना चाहता है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जैसी असमानता किसी और देश में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के समय में भारत में प्रधानमंत्री होता था, जबकि आज के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की जगह सिर्फ एक राजा है। उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। प्रधानमंत्री सुनता है, प्रधानमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खुले होते हैं, बातचीत करता है और अपने लोगों से यह भी कह सकता है, नहीं मैं मानता नहीं तुम्हारी बात, गलत बोल रहे हो। मगर जब लोग सही बात कहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कहता है सही बात बोल रहे हो। और अगर प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं काम करता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं। वहीं राहुल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। सच्चाई है हिंदुस्तान की, राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर राजा निर्णय लेता है तो जनता को चुप रहना चाहिए, और अगर जनता चुप नहीं रहती है तो फिर सीबीआई, ईडी, पुलिस, पेगासस सब चालू हो जाता है। इस मौके पर राहुल गांधी के तेवर काफी आक्रामक नजर आए। राहुल ने मोदी सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 15 लाख रुपए और आमदनी दोगुनी करने जैसे वादे करके बीजेपी सरकार भूल गई, लेकिन जो किसानों का है उसे भी मोदी सरकार उनके दोस्तों को देना चाहती है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के भाषण आपने सुने हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, याद है? 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, याद है? आमदनी दुगनी कर दूंगा, याद है? याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा, याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा। मगर अब जो किसानों का है, जो किसानों का है, अपने 2 मित्रों को पकड़ा दूंगा। किसान आंदोलन और पेगासस जैसे मामलों के आने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर काफी हमलावर है। अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने संसद में कांग्रेस और पेगासस के मुद्दे पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस इस बार के चुनावों में किसानों के मुद्दे को संजीवनी की तरह देख रही है। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि ये संजीवनी कितनी कारगर साबित हुई। आईएनएस रिपोर्ट।